हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है तन्वी। दोस्तों, पार्टीज की बात हो और करण जौहर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। करण जौहर बॉलीवुड के ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अक्सर पार्टीज और इवेंट्स में नजर आते हैं। उन्हें पार्टीज करने के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए होती है, अक्सर ही वो पार्टीज वगैरह करते ही रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहां तन्वी उन्होंने कई बॉलीवुड स्टार्स को इनवाइट किया था, जिनमें दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर जैसे कई स्टार शामिल थे। वहीं उन्होंने इस पार्टी का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसके बाद मतलब ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है, तुमने देखा होगा। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है ना यास्मीन, की वीडियोस तो वैसे वायरल होती रहती हैं और करण जौहर की पार्टियां भी चलती रहती हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो से बवाल मच गया है। हंगामा ये हुआ है कि इस वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ड्रग, जो जितने भी स्टार्स वहाँ मौजूद थे उन्होंने ड्रग्स ले रखे थे। एक्चुअली यास्मीन, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि अकाली दल के एक नेता हैं मनजिंदर एस सिरसा, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, हैशटैग उड़ता बॉलीवुड फिक्शन वर्सेस रियलिटी, वॉच हाउ द हाई एंड माइटी ऑफ बॉलीवुड प्राउडली फ्लॉन्ट देयर ड्रग स्टेट, आई रेज माई वॉइस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज बाई दीज स्टार्स, आरटी इफ यू डू फील डिस्गस्टेड। उन्होंने शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, अर्जुन, वरुण, करण जौहर, विकी कौशल सबको टैग किया। तो स्टार्ट यहां से ही सारा मामला होता है और उनका ये मानना है कि उस वीडियो में इन्होंने सारे स्टार्स ने ड्रग्स लिए जो करण की पार्टी में गए। एक तरह से आरोप लगाया है। बिल्कुल, और काफी बड़ा आरोप लगाया है, छोटा आरोप नहीं है। ड्रग्स को लेकर किसी पर आरोप लगाना, वो भी बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स पर आरोप लगाना, कोई छोटी बात नहीं होती है यास्मीन। वहीं इन सारे मामलों के बाद एक कांग्रेस के नेता है मिलिंद दियोरा, उन्होंने इस चीज से वो काफी भड़के कि कैसे इतना बड़ा आरोप जो बॉलीवुड स्टार से उन पे लगाया गया। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, माय वाइफ वाज आल्सो प्रेजेंट एट इवनिंग एंड इज इन द वीडियो, नोबडी वाज इन अ ड्रग स्टेट, सो स्टॉप स्प्रेडिंग लाइज एंड डिफेमिंग पीपल यू डोंट नो। तो मिलिंद का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि मेरी वाइफ भी वहाँ उस पार्टी में मौजूद थी और कोई भी ड्रग की स्टेट में नहीं था, तो कृपया करके लाइज को स्प्रेड ना करें, झूठ ना किसी के बारे में ऐसा झूठ फैलाया जाए। तो पूरा मामला यहीं से है, लेकिन मैं यास्मीन ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इस ट्वीट के बाद, महेंद्र के ट्वीट के बाद काफ़ी बवाल मच गया। इवन कि कुछ यूजर्स हैं वो मुंबई पुलिस को टैग कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं इतना बड़ी ड्रग्स ले रहे हैं, अपने घर पे पार्टी कर रहे हैं और ड्रग्स बहुत बड़ी बात होती है ड्रग्स लेना। तो इन सब को लेकर अब मुंबई पुलिस को टैग करके ट्वीट कर रहे हैं कि हमें इसके जो ये पूरा मामला हुआ है उस पर हमें आपका फैसला चाहिए। बिल्कुल तन्वी, जैसा कि तुमने बताया कि मुंबई पुलिस को टैग करके इस तरह से कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स भी काफ़ी भड़क रहे हैं मजिंदर सिरसा पर और काफ़ी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा रंगोली चंदेल, जो अक्सर ही करण जौहर के साथ उनका 36 का आंकड़ा होता है, उन्होंने भी इस पर शायरी के थ्रू अपनी एक बात रखी है। उन्होंने लिखा है, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो तन्वी, इस तरह से उन्होंने शायरी, अब बात कुछ ऐसी है कि रंगोली और कंगना रनौत, हर कोई जानता है कि करण का कोई भी मामला होता है तो उसमें उन्हें कूदना ही होता है, और ये सब जानते हैं कि कंगना और जो करण के बीच में काफ़ी समय से वॉर चल रही है, कहा जा सकता है दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली आई है नेपोटिज्म को लेकर। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गलत बयान देते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं रंगोली ने ये जो शायरी लिखी है वो उन्होंने नॉर्मली लिखी है, अब समझ नहीं आया वो तंज कस रही हैं क्या कर रही हैं, वो तो हमें नहीं पता चल रहा है इस शायरी से। लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत भी चुप नहीं बैठेंगी, करण की पार्टी है, तो जरूर 36 का आंकड़ा उनके साथ, तो नेपोटिज्म को लेकर काफी टाइम से विवाद चल रहा है करण जौहर के साथ कंगना का। तो अब देखते हैं कि कंगना इस पर कोई अपना बयान देना चाहती है या नहीं। वेल, तो अब बॉलीवुड स्टार्स जिन पर आरोप लगे हैं इस मामले को लेकर, उन वो कुछ रिएक्ट करते हैं या नहीं, अब देखने वाली बात तो ये होगी। वेल, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।